आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कालाम में महूडंड झील के रास्ते पर लैंडस्लाइडिंग होने की वजह से यह रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है, जिसकी वजह से सयाहों को वहां पर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतजामिया इस बारे क्या कहती है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल्ला शीरी से। अब्दुल्ला बताइएगा, कब तक रास्ते क्लियर करा लिए जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं महोरन से तकरीबन 5-6 किलोमीटर नीचे मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है ना लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से रास्ता जो है ना वो बंद है। आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थर जो है ना रास्ते पर आए हैं, तो यहाँ पर आ सकते हैं अपनी गाड़ियों में और यहाँ से जो है पैदल फिर महोरन झील की तरफ जा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ मुकामी शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस हवा से क्या कहते हैं। आप ये बता रहे हैं लैंडस्लाइडिंग हुई है, तो क्या इस हवा से आप क्या कहेंगे? सूबाई गवर्नमेंट जो है उन्होंने अरबों रुपए की दावे की थी, यहाँ पे ये रोड बनाएंगे वो बनाएंगे, तो हालात तकरीबन यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं रोड बने, तो 2-3 घंटे के काम एक सूबाई गवर्नमेंट नहीं कर सकते, तो वो तब्दीली के नारे मेरे ख्याल में ये बिल्कुल मनफी उनकी जो बातें हैं। आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे रोड बन है और 2 घंटे के काम में जो एक्सीवेटर अगर हमें दे दे। बहुत शुक्रिया जी, आपने उनकी बात सुनी। आप वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये 2 घंटे का काम है, अगर ये मुकम्मल हो जाए तो सयाहों के लिए जो है ना महोरन झील का रास्ता जो है वो खुल सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला शीरी, आपने इस तमाम तर सूरत हाल